महाराष्ट्र में जो हुआ है कोई साधारण खेल नहीं है। बिहार में तो लोगों ने पलटा था, यहां तो सीधे सरकार को ही रात के अंधेरे में चुरा दिया। और यहां मौजूद हैं नौजवानों के नेता, छात्रों के नेता तेज प्रताप जी, हम समों के आदर की प्रतीक और एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रेक्षक के रूप में आदरणीय कांति सिंह जी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय समिति के तरफ से मैं समझता हूं उनके सिवा अन्य लोग जो मौजूद होंगे, श्रीमती कांति सिंह जी यहां मौजूद, संसदीय बोर्ड के हमारे बिहार के अध्यक्ष भाई अवध बिहारी चौधरी जी, अन्य सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण जिनके नाम आपने यहां सुना है, जिनके नाम नहीं आप सुन पाए हैं, सबके प्रति मैं सम्मान प्रकट करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए आपके सहयोग से मैं अथक परिश्रम करूंगा। अथक परिश्रम आपसे भी एक वादा मैं चाहिए, भूलना मत, आप चुनाव के मैदान में हैं, ये नवंबर का 27 तारीख 2019 का और नवंबर 2020 में विधानसभा का गठन हो जाएगा। ये नवंबर और उस नवंबर के बीच में जो समय है, यदि राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी साथी आराम करने का प्रयास करेगा तो समझो हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए अथक परिश्रम करें। सरकार आपकी थी, बेईमानों ने सरकार को छीना है, उन बेईमानों से डरते हुए फिर अपनी सरकार को इस पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठाना है, कोई दुनिया की ताकत न रोके यदि आप लोग एक साथ हो जाओगे। आपकी शुभकामना राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य की शुभकामना होनी चाहिए। मित्रों, कोई साधारण लोगों से काम हम लोगों का नहीं पड़ा है इस देश में, कोई हो सकता था रात के अंधेरे में छोटे मोटे चोरी करता हो, सजा भी उसको होती रही होगी, लेकिन सरकार की चोरी दुनिया में पहली मरतबा भारत में हुई है, महाराष्ट्र में, ये आप सबों के सामने आ चुकी है। सरकार की चोरी दुनिया में किसी ने नहीं सुना था, लेकिन वाह रे भाजपा, जब आदरणीय लालू जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है तो लोग उसको मजाक समझते थे। क्या है भारत को जलाना? भारत के संविधान से अलग जाकर के कोई हुकूमत करे तो भारत का संविधान ही नहीं रहेगा तो भारत कहां बचेगा? महाराष्ट्र में जो हुआ है कोई साधारण खेल नहीं है। बिहार में तो लोगों ने पलटा था, यहां तो सीधे सरकार को ही रात के अंधेरे में चुरा दिया। ये कौन लोग हैं जिनके पास बहुमत नहीं है? अडानी अंबानी की ताकत के बल पर उनके पैसे और धन दौलत की बदौलत सरकारों को खरीद रहे हैं, दोष इनका नहीं है। कहते हैं कि हम व्यापार करते हैं, लेकिन आदरणीय देश के भारत के प्रधानमंत्री, भूलना मत, भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ मजाक मत करो। भारत जिस ऊंचाई पर रहा है और जिसकी बात आप करते हो 70 साल 72 साल 74 साल 6 सालों के बाद भी कोई उपलब्धि गिनाने की आपके पास कोई भी एक भी मसला नहीं है। इसीलिए याद रख लो, जब 6 साल में आपने नहीं कुछ किया तो भारत की जितनी संस्थाएं बनी हुई हैं आजादी के बाद, इन संस्थाओं को नष्ट मत करो। मित्रों ख्याल कर लेना, राष्ट्र को बचाना है, इसलिए मैं आपके सामने कहता हूं 2020 में बिहार का अभियान सरकार बनाने के लिए है, लेकिन 2024 तक अभियान चलेगा भारत को बचाने के लिए, जिसमें भारत को जला देना चाहते हैं। इतना घूमता भारत यदि कोई आराम करे या कोई भी आरक्षा पैदा करे, राष्ट्रीय जनता दल के बढ़ते हुए कदम को किसी हालात में रोकना चाहे, माफ करना, समझ लो ना कि वो ऐसा कदम है जो वर्तमान को नहीं भारत को भी भविष्य को खतरे में डाल देगा। हम लोग ये कैसे पड़ाव पर खड़े हैं, ये राष्ट्र रह
कोई पहली बार संदेश नहीं दे रहा है, चाहे आजादी के पहले की लड़ाई हो या आजादी के बाद की लड़ाई हो, संपूर्ण क्रांति का, चाहे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बनाने का, महात्मा बनाने का, ये बिहार की भूमि है, महात्मा बुद्ध की भूमि, महावीर जैन साहब की भूमि। आज जहां दुनिया में बिहार और देश में भारत, भले इसको जो कह लो हिंदुत्व वालाना, लेकिन भारत को महात्मा बुद्ध की हैसियत से ही दुनिया आज देखकर ये जान रही है। किसी के पास हैसियत नहीं, आज वो हिंदुत्व के नाम पर भारत को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उस समानता का घर, ऊंच नीच के विभेद को बेटाने वाला, गरीबों को झोपड़ी तक आदर्श को स्थापित करने वाला कोई फिर महात्मा बुद्ध नहीं पैदा हो पाया। कभी बिखर जाएगा वह रेतन बिहार, जहां अल्पमत जीत जाता है, बहुमत हार जाता है। अरे बहुमत आपका है बैठे हुए लोगों, लगातार बहुमत को देखो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। अभी ताकत को पहचानो, अभी ताकत को नहीं पहचानोगे, अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे तो नुकसान हमारा होगा। लेकिन हम अपनी धारा को उल्टी कर दिया है, हमारी धारा सीधी होनी चाहिए। लालू जी को देवता मानने वाले, नेता मानने वाले आज भी आपके आपकी तलाश में हैं। कल जाना शुरू करो, नहीं 10 घंटे, नहीं 20 घंटे, घंटे तो घंटे तो दरवाजे पर बैठ जाओ। काका चाचा का नाता था, क्यों टूट गया? भाई का नाता था, क्यों टूट गया? जब उनका जुल्म होते थे तो आप खड़े हो जाते थे सीना तान करके, वो रिश्ता क्यों खत्म हो गया? उस रिश्ता का ही परिणाम था 1990। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कृपा करके उस रिश्ता को फिर बनाना। लालू जी का संदेश है, लालू जी से मैं मिलने कल जाऊंगा, क्योंकि आज भी उनका सिद्धांत विचार ही नेतृत्व करता है। उनके नीति और सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं आया। दुनिया झुक गई दिल्ली की सल्तनत के आगे, लालू प्रसाद कभी सेवना रोकने का काम नहीं किया। छोटो के किस बड़े विचारक के साथ आप जुटे हो, लेकिन वो विचारक आपसे और हमसे आशा करता है। आज हमको आपने बधाई दी, आज हमको आपने शुभकामना दी, ये बधाई और शुभकामना करोड़ों करोड़ों गरीबों को समर्पित है, उनके संघर्ष को समर्पित मैं करता हूँ। और आपसे आशा करता हूँ कि 2020 में, मजाक ही में लालू जी ने कहा जड्डा भाई बधाई दे रहे हैं, हमको आपकी बधाई को स्वीकृत करता हूँ। आपकी बधाई मैं 2020 में दूंगा और 2020 में दूंगा, उससे पहले नहीं। और आज लोगों में कह रहा हूँ, अश्लील शब्द तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ट्रेंडिंग करता हूँ कि 2020 के बाद, इस विजय के बाद भी हम लोग सही ढंग से जुट करके एक दूसरे को बधाई देंगे। आओ मित्रों, चलो प्रस्थान करो युद्ध के लिए। जो युद्ध आपका इंतजार कर रहा है, हमारे सेना नायकों, आपकी सेना तो होने पर उसकी पहचान कर लो। और सेना और सेनानायक जब एक साथ हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।